पिछले व्याख्यान में हमने अग्नि सूक्त के दो मंत्रों की सप्रसंग अनुवाद को प्रस्तुत किया था। अब उसी के आगे तीसरे मंत्र का अनुवाद प्रस्तुत है। तीसरा मंत्र मैं पढ़ रही हूँ। अग्निना रईम अश्नवत पोषम एव दिवे दिवे यशसम वीरवत्तमम। सर्वप्रथम हम इस मंत्र का अन्वय के साथ अर्थ देखेंगे। अग्निना अग्निदेव के द्वारा, अग्निदेव से दिवे दिवे प्रतिदिन एव ही पोषम, पोषम वृद्धि को प्राप्त होने वाले, बढ़ने वाले, पोषण को प्राप्त होने वाले, यशसम यश को प्राप्त होने वाले, वीरवत्तमम वीर पुत्र पौत्र सेवक आदि से युक्त, तम प्रत्यय है इसलिए अत्यधिक, रईम रईम धन को अश्नवत प्राप्त करता है। अब इसका अनुवाद देखिए। अग्निना अग्नि देवता से यजमान दिवे दिवे प्रतिदिन एव ही पोषम, पोषण को प्राप्त होने वाले अर्थात निरंतर बढ़ने वाले, कभी क्षीण न होने वाले, यशसम दान आदि से यश को प्राप्त होने वाले, यश से युक्त वीरवत्तमम पुत्र पौत्र व्रत आदि वीर पुरुषों से युक्त रईम अश्नवत धन को प्राप्त करता है। यह इसका अनुवाद हुआ। अग्नि देवता को सदैव यजमान भक्त या उपासक का हितेशी और कल्याणकारी इसमें बताया गया है। अग्नि देवता सदैव अपने उपासकों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आदान प्रदान सृष्टि का नियम है। उपासक विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए, धन धान्य समृद्धि पुत्र पौत्र आदि के लिए अग्नि देवता की स्तुति करते हैं और अग्नि देवता उनके बदले उन्हें धन धान्य आदि से, पुत्र पौत्र आदि से समृद्ध करते हैं। जिन जिन वस्तुओं की वो कामना करते हैं उन वस्तुओं को भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही स्तुति या प्रार्थना प्रजापति देवता से भी की गई है और कहा गया है, वयम श्याम पतयो रईणाम, हम समृद्धियों के स्वामी बने। यजमान द्वारा या उपासकों के द्वारा सदैव धन समृद्धि की कामना देवताओं से की जाती रही है। ऋषि विश्वामित्र ने अग्नि देवता के दानी दानशील स्वरूप को यहाँ चित्रित किया है। यहाँ वैदिक संस्कृत की एक विशेषता दिखाई देती है, अश्नवत। अश्नवत में अश धातु से लेट लकार का प्रयोग किया गया है। ये वैदिक भाषा में ही उपलब्ध होती है, लौकिक संस्कृत में लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। अब चौथे मंत्र का मैं पठन कर रही हूँ। अग्ने यम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसी स इत देवेशु गच्छति। इसका अन्वय इस प्रकार है और शब्दों का अर्थ इस प्रकार है अन्वय के साथ। अग्ने हे अग्निदेव यम अध्वरम यज्ञम, जिस अध्वरम न ध्वरम इति अध्वरम अर्थात हिंसा रहित यज्ञम यज्ञ को विश्वतः सब ओर से परिभूह असी तुम प्राप्त करते हो, स वह यज्ञ इत ही देवेशु गच्छति देवताओं के पास जाता है। अब अनुवाद इसका प्रस्तुत है। अग्ने ऋषि विश्वामित्र अग्नि देवता की स्तुति करते हुए कहते हैं, अग्ने हे अग्निदेव
यम अधर्म यज्ञम, जिस हिंसा रहित यज्ञ को विश्वतः परिबूह असि। विश्वतः सभी ओर से, शब्द साओं में चारों ओर से तुम परिबूह असि प्राप्त करते हो। स वह यज्ञ इत ही देवेशु गच्छति, देवेशु देवताओं के पास स्वर्गलोक में हवि से, हवि सामग्री से, भोग्य सामग्री से उनको तृप्त करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए गच्छति जाता है, देवताओं को स्वर्ग में प्राप्त होता है। यहाँ अग्नि देवता को यज्ञ की रक्षा करने वाला और मनुष्य के द्वारा अर्पित की गई भोग्य सामग्री को देवताओं के पास पहुंचाने वाला मनुष्य का हितेशी बताया गया है। यजमान या उपासक जिस जिस देवता को अपनी अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए यज्ञ के माध्यम से अग्नि में आहुति अर्पित करते हैं, अग्नि उस देवता को वह आहुति स्वर्ग तक अपने माध्यम से पहुंचाता है। यह अग्नि की देवताओं के प्रति अनन्य निष्ठा सूचित होती है। यहाँ यज्ञ का विशेषण अध्वर बताया गया है। अध्वर का अर्थ है न ध्वरः इति अध्वरः, जो द्वर अर्थात हिंसा से रहित है। यज्ञ में पशु आदि की बलि दी जाती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए उस पशु की बलि को वहाँ हिंसा नहीं माना जाता है। इसलिए वेदों में कहा गया है वेदी की हिंसा हिंसा न भवति, इसी ओर यहाँ अधर्म शब्द से इंगित किया गया है। पाश्चात्य विद्वान मैकडोनल ने यज्ञ का अर्थ पूजा किया है, जबकि यज्ञ का अर्थ धार्मिक विधि विधानों और कृत्यों को करना है। तीसरे मंत्र का अब मैं पठन कर रही हूँ। अग्निः होता कवि क्रतुः, सत्यः चित्र श्रवस्तमः, देवो देवेभिः आगमत। अन्वय के साथ अर्थ इस प्रकार है इसका। देवः देवता, दिव्य स्वरूप वाला, होता होता हवन कार्य को संपादित करने वाला, कवि क्रतुः क्रांत दृष्टा, सत्यः सत्य स्वरूप वाला, मिथ्या से रहित अमृत रहित, चित्र श्रवस्तमः, चित्र यानी अनेक विविध प्रकार के, श्रवस्तमः कीर्तियों यशों से युक्त, अग्निः अग्नि, देवेभिः आगमत, देवेभिः अन्य देवताओं के साथ आगमत आवे। उसका अनुवाद इस प्रकार है, ऋषि विश्वामित्र अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह यज्ञ में अन्य देवताओं के साथ आए। अनुवाद देखिए इसका। देवः दिव्य दानादि गुणों से संपन्न, प्रकाशमान रूप से संपन्न, होता होम को, हवन को पूर्ण करने वाला, संपन्न करने वाला, कवि क्रतुः क्रांत दृष्टा सर्वज्ञ, सभी कालों की बातों को जानने वाला, चित्र श्रवस्तमः, चित्र यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के श्रव यशों से युक्त, अग्निः अग्नि देवता, देवेभिः आगमत, देवताओं के साथ आवे। यहाँ अग्नि को होता, जैसा कि प्रथम मंत्र में भी बताया गया है, क्योंकि कोई भी आहुति अग्नि के बिना नहीं हो सकती है, और देवताओं को अग्नि के माध्यम से ही यज्ञ में आमंत्रित किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है, इसलिए इसे होता कहा है। कवि क्रतु क्रांत दृष्टा है, ये सर्वज्ञ है,
सब कालों की बातों को जानने वाला है। अन्यत्र भी अग्नि को जात वेदः कहा गया है। सत्यः सत्य स्वरूप है, सत्यनिष्ठ है, निश्चित रूप से यह फलों को प्रदान करता है। जिस फल की कामना से यजमान अग्नि में आहुति अर्पित करते हैं, अग्नि देवता की स्तुति करते हैं, अग्नि देवता निश्चित रूप से उन्हें उन फलों को प्रदान करता है। विविध प्रकार के यशों से युक्त है, चित्र श्रवस्तमः कहा गया है। दान आदि से ये युक्त है, दानशील कहा गया है। ऐसे विविध विशेषणों से संपन्न अग्नि देवता को अन्य देवताओं के साथ यज्ञ स्थली पर आने का अनुरोध या निवेदन यजमान के द्वारा किया गया है। इस प्रकार पांच मंत्रों की का हमने सप्रसंग अनुवाद समझा है। धन्यवाद।